नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। बहराइच उत्तर प्रदेश में आम विधानसभा 2022 का चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है। इसी क्रम में जनपद में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार अपने शबाब पर पहुंच रहा है। प्रत्याशी सुबह से लेकर रात तक प्रचार कर रहे हैं। 286 बहराइच से बसपा प्रत्याशी नईम ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ दरगाह सहित अन्य इलाकों में नईम ने जनसंपर्क किया और मतदाताओं से वोट देने की अपील की। साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क किया और वोट मांगे। बसपा प्रत्याशी नईम ने इस दौरान कहा कि बहराइच विधानसभा में बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेहतर सुशासन और कानून व्यवस्था बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में प्रदेश की जनता को मिला था, जिसमें प्रदेशवासी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे में बसपा सरकार बनने पर आम जनता बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने हर जरूरतमंद तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का वादा भी किया।